हेलो गाइस, मैं नीरज, मेरे चैनल में स्वागत है आपका नीरज फिल्म्स में। और मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको मेरे F1 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और क्या बोलते हैं साथ के साथ बायोमेट्रिक्स भी बताऊँगा क्या हुआ था। मेरा इंटरव्यू हुआ था बॉम्बे कॉन्सुलेट में और बायोमेट्रिक भी बॉम्बे में हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या हुआ। बायोमेट्रिक्स में क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने DS-160 कन्फर्मेशन लेटर, I-20 और पासपोर्ट, बस और कुछ नहीं, बाकी अपने पास रहना डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे कुछ नहीं होता ज़्यादा, क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट्स होंगे आपके और आपकी शायद हाँ पिक्चर क्लिक होगी जो आपके वीज़ा में स्टैंप होके आएगी, वही है। और बाकी ड्रेस की बात करूँ मैं, बायोमेट्रिक्स में कुछ भी डाल सकते हो यार, तुम साला कच्छे में ही चले जाओ, तुम चाहे कच्छे में ही चले जाओ, चाहे स्लीपर्स में चले जाओ, किसी में चले जाओ, शॉर्ट्स में, कच्छा मीन्स शॉर्ट्स, टी शर्ट में, मतलब कंफर्टेबल होकर जाओ, कोई कुछ नहीं है, बस आपकी पिक्चर क्लिक होगी, फिंगरप्रिंट सर कुछ नहीं है। मेरा फिर अगले दिन था इंटरव्यू, मेरा अगले दिन ही था, तो मैं इंटरव्यू में फॉर्मल्स डाल के गया था, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, बेल्ट अच्छे से, और अपने हेयर्स भी मिला के गया था, वैक्स लगा के, खड़े नहीं करने, प्रेजेंटेबल लगना है उनको, फ्रेश, तुम्हारा जाते ऐसा लगे कि तुम रिफ्रेश हो एकदम, नींद में नहीं हो, इंटरव्यू में ध्यान रखना बस। फॉर्मल्स में जाना है आप सबको, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश होके जाना है, एकदम कि ऐसा लगे कि तुम एनर्जेटिक हो और स्माइल, और मेन बता दूँ मैं भाई, अपना कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे रखना है, एकदम अच्छा रखना है। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए एंटर हुआ मैं अंदर बॉम्बे कॉन्सुलेट में, सबसे पहले हमारा होगा सिक्योरिटी चेक, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते अंदर। और हाँ, बायोमेट्रिक्स में भी अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी अलाउड नहीं है, ना ही इंटरव्यू में ना बायोमेट्रिक्स में। अगर आप रखना चाहते हो तो वहाँ पे भी है स्पेस, बट वो 500 रुपये ले लेंगे, वो डिपॉजिट नहीं है, 500 रुपये रख लेंगे वो बस। तो इससे मैं रिकमेंड करता हूँ, तो तुम होटल में रुके हो तो होटल में अपने रूम में छोड़ के आओ, या फिर कोई तुम्हारे साथ आया तो बाहर दे सकते हो उनको। बाकी और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें रख लेना, लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका। तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद फिर हम गए अंदर, लाइन लगी, तो वहाँ पे भी अपने एक डॉक्यूमेंट चेक करते हो दोबारा, और डॉक्यूमेंट में वही I-20, DS-160 और पासपोर्ट होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसमें चेक करते हैं आइडेंटिटी कि बंदा सेम है कि कोई और तो नहीं है बोल के, मे बी ऐसे ही होता होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन मेन आती है इंटरव्यू की लाइन, तो वहाँ पे इंटरव्यू की लाइन लंबी रहती है, ज़्यादा लंबी, मतलब कि दो लाइन होती है लंबी लंबी सी। तो फिर काउंटर्स थे उसमें कितने, कम से कम 7-8 काउंटर्स थे जब मैं था, सारे काउंटर्स तो खुले हुए नहीं थे, बाकी 15 काउंटर्स थे, मैं भी उसमें 6-7 ऑफिसर्स थे। तो फिर मेरा नंबर आया, तो मेरा तो काउंटर नंबर था 35, अच्छा था मेरा ऑफिसर, कोई ऑफिसर 15-15 मिनट भी ले रहे थे किसी स्टूडेंट को, उससे पूछे जा रहे थे, क्वेश्चन करे जा रहे थे, पर वो वीज़ा दे रहे थे मैंने देखा, और कोई 2 मिनट में ही वीज़ा दे रहे थे और रिफ्यूज़ल दे दे रहे थे। मेरा नंबर आया, मैं 30 नंबर काउंटर पे गया, मुझसे ज़्यादा नहीं पूछा, मेरा इंटरव्यू लास्ट था 1:40 or 1:45 के अराउंड समथिंग था। तो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ योर मेजर्स, और फिर मैंने बता दिया। तो दूसरा क्वेश्चन था कि भाई तो तुम 12th कब पास करी तुम, मैंने मतलब सीनियर सेकेंडरी कब पास हुई, मैंने बताया इसी शेयर में। फिर उसके बाद क्या किया, मैं कोविड था 2020 में मैंने पास किया, 2021 में कोविड हुआ, फिर मैंने बीच में IELTS भी कर लिया, उसके बाद डिप्लोमा किया, अब मैं फिर इस कोर्स के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो आपके फादर क्या करते हैं, अब फादर का ऑक्यूपेशन पूछा, फिर उसके बाद पूछा भाई कोर्स कम्प्लीट होने के बाद तुम क्या करोगे। तो लास्ट क्वेश्चन फिर उससे दोबारा पूछा कि आपका मेजर्स क्या है, मैंने बताया इंटरनेशनल बिजनेस, उसने बोला ओके, आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट, योर वीज़ा इज़ अप्रूव नाउ एंड नाउ एन्जॉय योर ट्रिप टू US, बस यही बोला। और मेरा इंटरव्यू 2 मिनट का भी नहीं था गाइज, यही मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं कम से कम क्या बोलते हैं, जो मेरा प्रोसीजर होगा इंटरव्यू का प्रोसीजर, सिक्योरिटी चेक से लेके मेरा इंटरव्यू होने तक का, ये कम से कम 50-60 मिनट, मतलब 1 घंटे का था, बता सकता हूँ 1 घंटा तो लगेगा तुम्हारा, 1 घंटा 1.5 घंटा तो जाने वाला है, वेटिंग भी करवाते हैं मेरे ख्याल में। जब मैं था सिक्योरिटी, जब मैं निकल गया था बाहर सिक्योरिटी चेक से, बच्चे बाहर वेट भी कर रहे थे क्योंकि अंदर ज़्यादा रश था, इसलिए।
साथ ही साथ मैं एक टिप दे देता हूँ भाई, जब तुम काउंटर से जा रहे होगे ना, मतलब लाइन में लगे हुए होंगे, तुम्हें सब सुना देगा कि क्वेश्चंस क्या पुट किए जा रहे हैं स्टूडेंट से और क्या क्या पूछा जा रहा है। तुम देना भाई, एक तो तुम पहला पॉइंट बताते हो, तुम नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना। दूसरा तो काउंटर्स में जो जो पूछ रहे हैं वो देखना सुनना, अपने आंसर चेंज मत करना, कवर रखना, किसी को सुन के अपना आंसर चेंज मत कर देना। और जो काउंटर जब से ज़्यादा रिफ्यूज़ल दे रहा हो तो उसमें थोड़ा बच के ही रहना। काउंटर नंबर जैसे तुम देख लोगे, जो जो ऑफिसर अच्छा है ना उसी पे ही प्रेफरेंस रखना कि भाई इसमें आ जाए मेरा नंबर, उसमें आएगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। भाई कर देना, मोटिवेशन मिल जाएगी, और भी वीडियो बना दूंगा ऐसे ऐसे अच्छी 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 है कि नहीं वो तो आप ही बताओगे।